अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पराठा। इसके लिए हमने एक पैन लिया है जो हमने गैस पर रख दिया, गैस ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, बस थोड़ा सा हमको तेल डालना है। जीरा डालेंगे चौथाई चम्मच, हींग डालेंगे एक पिंच। चलाते जाएंगे इसको, एक मीडियम साइज हमने प्याज लिया है, एक हरी मिर्च, एक लाल, ये सूखी हुई नहीं है, ये भी ताजी मिर्च है लाल, जो लाल पड़ जाती हैं, डाल देंगे। पनीर लिया है जिसको हमने मसल लिया है, इसका पार्ट आटा हमने गूंद के रखा हुआ है, 10 मिनट के लिए रख दिया था, अब ये सॉफ्ट हो गया है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें अब हरी मिर्ची डालेंगे, चला देंगे। इसमें अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसको सब मिक्स कर लेंगे हम चला कर। पाँच एक मिनट तक भूंजेंगे। इसमें हमने पनीर डाल के भून लिया है, इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस डालकर भून लेंगे एक चम्मच। एक कप आटा लिया था, इसको हमने गून लिया था, पेड़ा बना लिया है। इसमें अब हम अपना पनीर भरेंगे। ये भून के तैयार हो गए पककर। पैन हमने गैस पे रख दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है एक चम्मच, तेल गर्म हो गया। इसमें अब हम पराठा डालेंगे अपना, पकने देंगे इसको, दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए पनीर पराठा बनके तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना, आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। ये देखिए आपको बहुत पसंद आएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।